दोस्तों, जैसे कि काफी वक्त से खबरें हैं कि ऋतिक रोशन ब्लैक टाइगर नाम की एक फिल्म में हमें दिखेंगे, जो कि रो एजेंट रविंद्र कौशिक पर बनाई जाएगी। लेकिन अब लगता है कि आपको ये फिल्म देखने को नहीं मिलेगी। जस्ट यहाँ आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म को नहीं कर रहे हैं, और यहाँ बताया गया है कि ऋतिक रोशन को ये फिल्म वैसे तो अच्छी लगी है, लेकिन ऋतिक को इस फिल्म का क्लाइमैक्स अच्छा नहीं लगा और इसी कारण से ऋतिक इस फिल्म को करना नहीं चाहते हैं। वह इस तौर को बता दें कि इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता बनाने वाले थे, लेकिन इस समय फिलहाल तो ऋतिक ने इस फिल्म को बाय बाय कर दिया है। वह इस तौर को बता दें कि रविंद्र कौशिक पर पहले ही दो फिल्में हम बॉलीवुड में देख चुके हैं, और रोमियो अकबर वाल्टर जिसमें हमें जॉन अब्राहम दिखे थे, और वहीं ब्लैक टाइगर में आपको रविंद्र कौशिक की पूरी लाइफ हिस्टोरी दिखाई जाती। लेकिन क्योंकि यहाँ पहले ही दो फिल्में बनाई जा चुकी है, तो इसमें इस फिल्म में उतना मजा नहीं आता, और यदि इस फिल्म की रियल स्टोरी पर फिल्म बनाई जाती तो इसमें फिल्म का हीरो लास्ट में मर जाता। तो इसमें ऋतिक इस फिल्म को नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये फिल्म दूसरे एक्टर के साथ बनाई जा सकती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ऋतिक की तो बात ही अलग होती। तो फिलहाल तो यहाँ फैंस ऋतिक को ब्लैक टाइगर में नहीं देख पाएंगे, ऋतिक आपको किसी दूसरी फिल्म में दिखेंगे। और यहाँ खबरों के मुताबिक ऋतिक सत्य पे सत्ता के रीमेक पे नजरें बनाए हुए हैं। तो फिलहाल तो यहाँ ब्लैक टाइगर में ऋतिक नहीं दिख रहे हैं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।